हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे से होंगे। और आज की वीडियो की शुरुआत कर दी हूँ, और ये वीडियो शायद सैटरडे का है और मैं इसको आज डाल रही हूँ मंगलवार के दिन। तो क्या हुआ कि मतलब बीच में मैं एक एक दिन छोड़ छोड़ के डाल रही हूँ ना, इसलिए जा रही है ये वीडियो आज। अच्छा, इसमें क्या हुआ ना कि मैं बना रही हूँ खोए के पराठे, और आज है छोटी होली। तो आप सभी को हैप्पी होली। और आज से होली स्टार्ट हो गई है सबके यहाँ। तो यहाँ पर जो है मैंने कहा कि वीडियो एडिटिंग, भले ये वीडियो पीछे की है लेकिन एडिटिंग आज कर रही हूँ, तो मैं आज की वीडियो ये डाल देती हूँ, आप लोगों से हैप्पी होली बोल देती हूँ। तो यहाँ बना रही हूँ खोए का पराठा। तो मैंने खोया लिया और उसको कद्दूकस से घिस लिया, और उसमें ज़रूरत के हिसाब से चीनी डाली। चीनी डालने के बाद जो है यहाँ पर अब मैं जैसे भरते हैं ना पराठे के लिए, वैसे भर के और इसको बना रही हूँ। जैसे गोभी उभी के बनाते हैं सेम वैसे ही बनता है। तो थोड़ा सा ये फट गया ये वाला, थोड़ा ज़्यादा भर दी मैं इसमें, लेकिन ठीक है। इसमें आप घिस के डालोगे ना तो कितना भी भर सकते हो, और बहुत टेस्टी लगता है। जिनको मीठा पसंद है, जिनको मीठा नहीं पसंद है उनके लिए नहीं है ये, लेकिन जिनको मीठा पसंद है ये खोए का पराठा ना बहुत ज़बरदस्त बनता है। हम तो अक्सर ही बना लिया करते हैं सर्दियों में, मैंने और भी वीडियो में दिखाया है। तो यहाँ पर मैं दो पराठे बना रही हूँ, एक इनके लिए एक अपने लिए, तो हम लोग उस साथ ही खा लेगा। अच्छा, शांतनु ये सब चीज़ें नहीं खाता है, तो जो है यहाँ पे मैं उसके लिए नहीं बना रही हूँ। देखिए कि नहीं, अच्छे से खिल गया ना, और बहुत अच्छे से बन भी, टेस्टी भी लगता है। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी इसको फाड़ के भी, इसके अंदर की स्टफिंग चीनी वगैरह ना एकदम से मेल्ट हो जाती है। अच्छा, ऐसे ही चीनी का भी पराठा बनता है, थोड़ा छोटा बनाए तो छोटा, और मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा ही बनाया। देखिए कितना अच्छा, और एकदम से टिफ़िन वगैरह में अगर दे बच्चे को मीठा पसंद है तो बहुत अच्छा लगेगा ये, और हमें तो सच में अच्छा लगता है। और उसके बाद जो है आज मैं गई थी पर्दे लाने के लिए पूरे घर में, और मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगी पर्दे लगा के कि कैसे लग रहे हैं। खैर, आप लोग अब हर वीडियो में चेंज पर्दा देखेंगे। तो यहाँ पे जो है मैं ना पर्दे लाई हूँ पूरे घर के लिए, 21-22 पर्दे लाई हूँ एक जैसे ही। तो यहाँ पर जो है वही पर्दे मैं थोड़ा सा ट्राई करूँगी कि कैसे मतलब फिट के हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ के जो लंबाई है ना वो कहीं छोटी है, कहीं ऊपर है, कहीं नीचे है। तो जो नीचे होगा उसको मुझे फोल्ड करके थोड़ा थोड़ा सिलना पड़ेगा। तो वही मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर रही थी कि मतलब ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। होता है ना कि मतलब कोई कोई साइज गड़बड़ ना हो या वो ना हो। तो यहाँ पे देखिए ग्रीन है और एक क्रीम कलर का है, और इसको जब पूरा लगा लूँगी ना तो भी आप लोगों से शेयर करूँगी, दिखाऊँगी कैसा लग रहा है, ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे दो 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 यहाँ लगाऊँगी, बाकी ऐसे ही दो दो करके ना पूरे कमरे में ऐसे ही मैं पर्दे लगा रही हूँ। और सच में मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे, और देव भी खुश थे। तो यहाँ पे हम माँ बेटे यही कर रहे थे, और उसके बाद इसके पापा आ गए थे। तो मैं वही इस वाले को दिखा रही थी कि किचन में जो डोर लाई, रॉड लाई थी ना, उस रॉड में इसको लगाऊंगी। फ्रेंड्स, इसका थोड़ी से देवा के सिर पे कील लगेगी, देवा कर रहा पढ़ाई तो मैं मार नहीं सकती क्योंकि पढ़ते हुए बच्चे के लिए नहीं मानूंगा। और ये रहा कुशन कवर, बहुत सुंदर सा, और ये उसी के लिए लाई हूँ। देवा उस पर देखिए क्या क्या किया है, क ख ग घ सब उस पर लिख दिया है। वो देखो पीछे क्या लिखे हो, और यहाँ पे ये रहा वो कुशन पे, कुशन पे देखो क्या लिखे हो। हाँ, तुम्हारा ही लिखा हुआ है। ये लेके आई दो मैं। यहाँ पे पति देव कर रहे हैं काम बहुत दिनों के बाद, कुछ काम। देखिए अभी मैं इतना साफ करती हूँ तब भी उतना कचरा है, छोड़ दीजिए ऐसे ही, सुबह झाड़ू लग जाएगा तब उधर करेंगे, जब हिला दिए हैं। और तुम्हारी बॉल उधर कैसे फंसी पड़ी है देवा? हाँ, और यहाँ पे ये ना अलग हो गया था, एकदम से गंदा सा लग रहा था। पति देव ने इसका इंतजाम कर दिया। मैं कील लेके आई थी उस दिन, मैंने कहा मैं तो कर ही लेती, लेकिन मैंने कहा मैं क्यों करूँ, यही कुछ काम करे, कुछ तो काम करे, बैठने से अच्छा है कुछ काम करे है। तो फ्रेंड्स, ये सारे पर्दे हैं, तीन पन्नी में पर्दे हैं, ये भी पर्दा है, और ये दोनों पन्नी में पर्दे। वीडियो ही नहीं बन रही थी हा? तो फ्रेंड्स, मेरे पति देव गुस्सा हैं क्योंकि तीन, मैं कितने लेके आई हूँ पर्दे जी, 22 पर्दे लेके आई हूँ। इतने बड़े घर में 22 तो लग ही जाएंगे, मैं लगाऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी सारा। और इसकी वजह से इनका मूड है आज ऑफ, बहुत गुस्सा, तो ये बहुत गुस्सा है, बोल नहीं रहे, मेरे से बात नहीं कर रहे हैं। तुम मेरा पैसा खर्चा करवा दी इतना सारा, हमने कहा मैं घर नहीं जा रही हूँ होली में, ससुराल यानी घर तो मैं जाती ही नहीं हूँ अपने, तो ससुराल नहीं जा रही हूँ, कम से कम यही हो जाए, कुछ तो हो जाए, तो मैंने ले लिया। और ये आज मेरे पति देव बन गए कारपेंटर,
इतना अच्छा काम कर रहे हैं कारपेंटरी का। और ये है इनका थोपड़ा जो कि और जो कि ये दिखाना नहीं चाहते अपने थोपड़े को, अमन धवन मुस्कान में नहीं दिखा रहे हैं। देखिए हटो हटो, थोपड़ा का मतलब होता है ये थोपड़ा होता है। और ये एकदम गुस्से में तमतमाते हुए बीवी ने पैसा खर्चा करवा दिया इसकी वजह से। पैसा खर्चा करवा के मैं अच्छा की कि बुरा दोनों? अरे इस पर नहीं लिखना, ये ना चद्दरों पे और तकियों पे लिखता रहता है जिसकी वजह से ये सब खराब हो जाते हैं। इसके अगर लिखोगे तो मैं इसके एक्सपेंस कभी नहीं लूंगी। और बताइएगा आप लोग कैसा पर्दा लग रहा था जैसे कि दिखाई में आप लोगों को। और आज गए थे लेकिन आप बहुत दूर से, कहाँ कौन से मार्केट है जी? वो पचकुइया मार्केट के पास था, पता नहीं कौन सी मार्केट पे, भूल गई कौन सा आश्रम है, कौन सा आश्रम है वो, क्या कह रहे हैं आसाराम बापू का आश्रम। आज के आश्रम से उतर के पैदल का रास्ता है, वहां से मैं लेके बहुत दूर गए थे। और ये देखिए ये सब मुझे दे दिए। अरे वो कील तो थी वो वाली भी बड़ी बड़ी बड़ी, देखिए मैं लेके आई थी तो पति देव ने ये जो वाली होती है ना तार में लगती है उसका निकाल निकाल के और लगा दिए। और ये अलग हो गया था ना तो बेकार लग रहा था। तो अभी देखिए एकदम कारपेंटरी का काम किए हैं ये बहुत अच्छे से। क्या चाहिए इनाम? क्या चाहिए? शांति। शांति इनको मेरे से शांति नहीं मिलती, इनको शांति चाहिए कोई और। अरे भगवान कहाँ से वो शांति मैं ढूंढ के ले आऊँ? मैं सच में देती आपको शांति लेकिन मेरे बस में नहीं है, मैं नहीं दे सकती। और इस वाले पर्दे को ना मैं जो किचन वाला रॉड है ना बता रही थी उसमें सोच रही हूँ कि लगाऊंगी इसको ना ऐसे लंबे में, लग जाएगा तब दिखाऊंगी आप लोगों को। चलिए तो जी ऐसे हंसी मजाक चलता रहता है। और चलिए अब बनाते हैं खाना। तो ये है फली, यहाँ पे तो फली ही बोलते हैं और बोकला या बोकलस ऐसे कुछ भी बोलते हैं, पता नहीं यहाँ फली बोलते हैं। तो मैंने फली लिया है, एक प्याज लिया है, दो आलू लिया है और इसकी बनाएंगे सब्जी। तो पहले पूरा मैं कटिंग कर लेती हूँ उसके बाद बनाऊंगी सब्जी। और हंसी मजाक का आप लोग सीरियस मत लीजिएगा, मेरे पति बहुत ही अच्छे हैं और मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब हम लोग खुश रहते हैं। तो वही थोड़ा सा चल जाता है, मैं ही बोलती हूँ, वो थोड़ा कम बोलते हैं, साई टाइप के हैं, उनको नहीं मतलब रहता है कि हाँ। तो यहाँ पे जो है मैं, मुझे कुछ सामान याद आ गया था, जैसे कि मुझे सामान भी लाना है केंद्रीय भंडार से। इस बार मैं केंद्रीय भंडार जाऊँगी ताकि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दिख जाती हैं। ऑनलाइन में क्या होता है कि बस जो चीज़ें मुझे याद रहती वही आ पाती हैं। तो यहाँ पर होली है तो थोड़ी चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा लगेंगी ही, तो इसलिए जो है मैं ये कर लूँगी। और यहाँ पे सब्जी बना रही हूँ। और गई थी आज पर्दे वगैरह लेके आई हूँ, काफ़ी थक गई हूँ मैं, लेकिन खाना तो बनाना ही है। तो बस लहसुन मैंने काट के छिल लिया यहाँ पे देखिए, और उसके बाद अदरक इसको डाल के, और जैसे नॉर्मल सब्जी बनती है वैसे ही इसको मैं सब्जी बनाऊंगी। और सुबह से शाम हो जाती है, छुट्टी वाले दिन भी ऐसे ही निकल जाता है, पता नहीं चलता है कि कैसे निकलता है। तो यहाँ पे देखिए जो है मैं प्याज थोड़ा सा भी कम ही भुना था तो साथ में आलू भून ले रही हूँ ताकि मतलब सब्जी थोड़ी ये भून जाएगी तब मसाले डालेंगे। इसकी सब्जी थोड़ी भून जाती है ना तो अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने इसको ढक के भून लिया। उसके बाद इसमें मसाले वगैरह और सूखी ही बनाऊँगी और साथ में बना लूँगी रोटी। तो कल परसों मुझे बहुत ही ज़्यादा काम है, खैर मतलब जिस दिन मैं ये वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ उस दिन बता रही हूँ आप लोगों से, उस दिन भी सुबह से लेकर दोपहर तक मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, मतलब इस दिन नहीं मिला है, एकदम से ऐसे हो गया। और अभी तक मेरी गुजिया वगैरह का कुछ तैयारी भी नहीं हुआ, तो खैर मैं बनाऊँगी थोड़ा सा तो बनाऊँगी ही, और थोड़ा सा मार्केट से भी ले आऊँगी, ऐसे कर लूँगी, लेकिन करना तो है ही, बच्चे हैं। तो यहाँ पे देखिए सब्जी बनाऊंगी, उसके बाद इन लोग खिलाऊंगी, गैस वगैरह साफ करूंगी, तो ऐसे ही टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। और होली के समय में ना मैं घर की थोड़ी सफाइयों में भी लग गई, खैर दिवाली हो या होली हो हम लोगों का क्या, हमें तो करना ही है। तो एक कर रही थी तो दूसरा दिख रहा था, ऐसी हालत हो गई थी। तो कोई नहीं, ये सब तो चलता ही रहता है। और यहाँ पे बना लेते हैं रोटी, और इधर मेरी सब्जी भी बन गई थी तो फटाफट रोटी सेक के और इनको भी दे दूँगी और खुद खा लूँगी। उसके बाद मतलब गैस वगैरह यहाँ पे क्लीन करेंगे जो भी है। तो ये वाली फली की सब्जी ना थोड़ा सा भून लो तो टेस्टी लगता है, तो मैंने उसको ना तेल में ना प्याज के साथ भून लिया, उसके बाद जो भी सूखे नॉर्मल मसाले हैं वो डाल दिया, और उसके बाद डाला टमाटर और सूखी ही इसको कम धीमी आँच पर बना रही हूँ जैसे कि।
उसके बाद वो जो है मैंने साथ साथ में रोटी बना लिया। अच्छा उधर मैं ना जिसकी ब्लॉग पसंद करती हूँ उनका ब्लॉग भी चल रहा है उधर, देखिए मतलब हम लोग भी किसी का देखते ही हैं, तो वहाँ उनकी ब्लॉगिंग देख रही हूँ। और उसके बाद जो है यहाँ पे आ गई हूँ अब किचन क्लीन करने के लिए। तो वो शांतनु का मोबाइल है जो मैं जिसमें देख रही हूँ। तो यहाँ पे जो है पहले मैं सब्जी निकाल के रख दी हूँ और उसके बाद अपने किचन को क्लीन करूँगी। जैसे कि मैं कई वीडियो में बताई हूँ कि बिना किचन को साफ किए मैं नहीं सोती हूँ और बर्तन धोती नहीं हूँ, फिर भी मैं खंगा के रख देती हूँ क्योंकि यहाँ पे खुला है ना तो कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। खुला में रहने का फ़ायदा है तो नुकसान भी ये है कि कीड़े मकोड़े हर जगह आते हैं, सफाई ज़्यादा करनी पड़ जाती है। खुला खुला का तो मज़ा है कि सुबह जो चिड़ियों की आवाज़ आती है, जैसे आप लोग नहीं देखे होंगे देखिएगा एक वीडियो मैंने चिड़ियों की आवाज़ डाली है। यहाँ पर एक बार पुराना बरगद का पेड़ है ना, हज़ारों की तादाद में यहाँ चिड़िया बोलती है ना, मैंने उसमें डाला था, बहुत सुंदर आवाज़ लगता है। आप सुबह 6 बजे चाहे कुछ भी करिए ना, चिड़ियों की आवाज़ से नींद खुल जाती है। तो यहाँ पे ना बहुत ये चीज़ लगता है लेकिन गंदा तो होता है। तो चलिए वीडियो के एडिट एंड करते हैं। पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा।